ज़्यादा जोर से अच्छा बताइए, यहाँ जाने के बाद क्या आप करती है? पहले पढ़ते हैं कितने बजे से कितने बजे तक? यहाँ से डालते हैं मतलब मीनिंग में कौन कौन से मतलब जो जैसे इन लोग का नहीं लगता है वो सब कुछ क्या के बारे में लाइफ में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? तो मेहनत करेगा तो हम करेंगे। तो आप बारे में तो कैसे मेहनत कर लेते हो? अच्छा बने ना, क्या बनना चाहते हैं? क्या क्या है चॉइस? क्या क्या बनेगी? क्या सीआरडी के लिए क्या क्या करना जरूरी है तुमने जानते हो? डॉक्टर तो बन नहीं रहा है, इंसान शहरी बन रहा है। घोड़े पर घोड़े के दौड़ना पड़ेगा, फिजिकल तैयारी करना पड़ेगा, राइट? तो सुबह सुबह कितने दिन उठते घूमने के लिए? आज तक कभी भी दो दिन में बोले दीदी ना एग्जाम पास से चल रहा। ठीक है, एग्जाम पास से दीदी जी, जैसे अभी श्वेता दी हो गए, मैम हो गए, सर हो गए, ये लोग जाते हैं, जब सीआईडी बनना जरूरी है, सीआईडी बनना है तो उसके लिए तो मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत। फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी, फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी, और मेडिकल भी फिट भी होना चाहिए। तो वही है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है एकदम। सभी वो काम जैसे होते घर का काम करते भर में सब आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं होना वो तो करना ही, कैसे भी करना है, मैंने तो मेंटेनेंस करना है आपको, कैसे करते हैं तो ठीक है। अब आगे ये और बढ़ाते हैं, कहते हैं जैसे आप बोल रहे हैं बुझाना है सीआईडी, राइट? तो सुबह सुबह आप क्यों नहीं सर मैम साथ है, श्वेता मैम साथ है, ज्योति मैम साथ है जाते हैं पर डे पर डे? हम मान लो हमको पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जानते हो कैसे कि हमको एक जगह दिमाग नहीं रहता है, कभी हमको कुछ करना है तो कभी वहां पे जाना है, कभी अपना भी देखना है, कभी कुछ और भी देखना है, हम कोई चीज पर एक जगह फोकस नहीं हो पाता है, समझा ना? तब आप लोग का उम्र है ना, तुम लोग का उम्र एक जगह तो परफेक्ट माइंड करेगा तो वहां पर फोकस होगा। अब मेरा चाहिए कि फोकस हो जाए तो वहां पर नहीं जल्दी हो पाएगा। तो क्या कहना है? सिर्फ मेकअप करना है कि अच्छी करना है बताइए, कि अपने आप पढ़ाई भी देखना है कि पढ़ना है फिजिकली भी, तो साथ साथ सभी चीज फिट होना जरूरी है।
चेहरे जिंदगी में ना रहा ये जिंदगी चेहरा 30 साल से 35 साल से बहुत बहुत 40 साल उसके बाद में तो चेहरा कुछ नहीं है। एक्टर भी है सब एक्टर हीरो हीरो जो करते हैं वो कितना दिन तक कमा सकते हैं चेहरे से तो जानते नहीं अब कितना देर पढ़ते हैं। आपको जाने वाला तो प्रियांशु और शिल्पी मैम हो गई और कैसे उनको नाम से बैठू खुश वही तो चार आपके साथ में रहते हैं वही तीनों वही तो जान देते हैं आप कितना पढ़ते हैं आप ही को प्रेम क्लास सब साथ है करते हैं नौ नाइन्थ में टेंथ में है तीनों आप प्रियांशु को छोड़कर पर आप तीनों को तो मालूम होना चाहिए कि तीनों तो आज से क्या विचार है मेहनत करना या नहीं 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 मेहनत करना है मेहनत करना है मेहनत करना है सुनाई दे रहा है सुनाई पहले किस चीज मेहनत सभी को हम सभी को जरूरत है बहुत आपको भी जरूरत है मैडम तो पूरा जरूरत है कि ना बात बड़ा समझ में आया कि नहीं मेरा बात को तो जल्दी शायद देख तो वो समझते हैं बात को हम तो शायद नहीं समझते तो कल से क्या करके आना है पहले बताइए कल से क्या क्या करना है मेहनत करने के लिए सियाडी बनने के लिए क्या क्या कल से स्टार्ट होगा आपने सब बताइए ना खुद से बताइए हम ये चीज कल से स्टार्ट करते हैं या मेहनत करते हैं चाहे एक घंटा पढ़ते हो वहाँ दो घंटा पढ़ेंगे जो हम अच्छा जो पढ़े जो पढ़ेंगे उसको किनको बताएंगे कि हम जो पढ़े आज हमको सही में हमको दिमाग में कुछ सही हुआ कि नहीं किनको बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे ना उसको जो पढ़े हैं जो जानते हैं वो आज हम कैसे हम जाने के मीचे सीखे हैं तो हमसे कोई पूछेगा तब ना करिए यही उम्र पढ़ने का आप लोग का यहाँ से दिमाग यही उम्र बिगड़ने का पढ़ने का भी सवरने का भी बिगड़ने का कैसे जब बुला रहे तो हम पढ़ा रहे चाहिए यही मेहनत है इसी यही उम्र है पढ़ने का और बिगड़ने का दोनों में से कोई एक काम मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सही काम पर चले कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते भर में इंसान भटक जाता है ना चाहते भर में गलत रास्ता भर लेता है गलत हो या बॉय दोनों का बात कर रहे हैं दिखाने में उड़ा जाता है वो अपने आप में ढालता नहीं है पढ़ाई जब कॉलेज हो या कॉलेज में नहीं कर तो जो रैगिंग करता है रैगिंग तो हमको पता नहीं है जो ज्यादा मतलब उठ फाट कोशिश करते हैं उसको तो हम नहीं बताते हैं लेकिन जो ज्यादा नोटेंगी सब करता है ना तो 11th और 12th का बच्चे रहते हैं जो हाल फिलहाल मैट्रिक पास करके गए वही लोटेबाजी करते हैं नहीं तो फर्स्ट ईयर में थे मतलब जो उसको हम कैसा भी एक्सप्लेन करें कुछ मतलब लड़की थोड़ी वो लड़की सब छेड़ता है हम तो लगता नहीं कुछ
अच्छा पूछ लियो, तो वो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, उन पर जिम्मेवारी आता है, वो जिम्मेदार हो जाते हैं, वो समझदार हो जाते हैं। मतलब जो 11th 12th के बच्चे जो कॉलेज में हुड़दंग करते हैं, लड़की लोग को फंसाना तो जरूरी नहीं है, बात ही हुआ नहीं है। मैं सिर्फ वो वही नहीं करता है, वो नशा भी करता है, हर तरह का वहाँ पे करता है कॉलेज में। एग्जाम्पल में बहुत तरह से ले सकते हैं, जैसे नशा हो गया और गाथी हो गया, गर्ल्स ये सब हो गया। हाँ फर्स्ट ईयर का बच्चे होते हैं, वो बहुत दिन पर सही पर लोड हो जाते हैं, वो जानते हैं, वो समझदार हो जाते हैं, घर का स्थिति समझने लगे हैं, अगर वो अभी क्या चीज बोले जो छेड़ता है गलत रास्ता जल्दी हाथ लेट कर रहा है। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम ही पढ़ करती हो, सिर्फ तुम ही पढ़ लिखती हो, ना मम्मी पढ़े हुए, ना दीदी को दिमाग खराब है, तुम पढ़ी हुई नहीं है, पापा भी नहीं पढ़ रही है, ना मम्मी पढ़ी हुई है, ना तो अभी दोनों बहुआ है, तो दोनों का भी सियाना होने में, जवान होने में बहुत समय है अभी दोनों, इसलिए जो भी करना है अच्छा बुरा आप ही करना, और ऐसा करना है कि मम्मी पापा का भी नाम खराब ना हो, कुछ बनना है। कुसुम नहीं, कुमकुम दी मत बोलिए, बहुत अच्छा बात कर।